हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? ऑल इन ऑल जॉब्स प्रिपरेशन में खुश आमदीद। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एनाटॉमी जो साइंस है वो मुताला करती है द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी। ये इंतहाई अहम है। एनाटॉमी में तीन चीज़ें शामिल हैं, एनिमल्स जानवरों, प्लांट्स दरख्तों और ह्यूमन बॉडी और इंसानी जिस्म के स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है। इसमें बैक्टेरियोलॉजी जो है ये बैक्टीरिया के मुतलका स्टडी की जाती है। केमोथ्रोपी जो है, केमोथ्रोपी इसमें द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंस, ये इंतहाई अहम है, इसे ये आपने याद करना है। केमोथ्रोपी जो है ये बीमारियों का इलाज इसे इसमें किया जाता है केमिकल सब्सटेंस में। उसके बाद डेक्टोलोग्राफी जो है ये द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसमें फिंगरप्रिंट्स का मुताला किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए डेक्टोलोग्राफी में। इंटोमोलॉजी जो है ये कीड़ों कीड़ों के मुताला को इंटोमोलॉजी बोला जाता है। और जो फ्लावर्स के मुतलका प्लांट्स का मुताला किया जाता है इसे फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। और जियोलॉजी जो है, जियोलॉजी द साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये भी इंतहाई अहम है, ज़रूर याद कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम है हिस्टोलॉजी, जो बाज़ अवकात पेपर देने के लिए लड़के जाते हैं वो इसको हिस्ट्री की ब्रांच समझते हैं, जबकि नहीं, ये टिश्यूज़ के लिए है। जो इंसानी जिस्म के टिश्यूज़ होते हैं उसके मुताले को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। एमनोलॉजी जो एमनोलॉजी है ये साइंस है विद द स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजम्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के खिलाफ जो हमारे जिस्म के कीड़े लड़ते हैं उसे फाइट करते हैं उसे इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। और जो जो शाख है लॉ की, जो हमारे अदालतों में जो लफज इस्तेमाल किया जाता है, जो शाख इस्तेमाल की जाती है, ये लफज है ज्यूरिसप्रूडेंस। ज्यूरिसप्रूडेंस जो है, जो वकला जो मुताला करते हैं लॉ का, इसे ज्यूरिसप्रूडेंस बोलते हैं। और क्लोलॉजी जो है ये स्टडी करती है ह्यूमन ब्यूटी की, ह्यूमन ब्यूटी की पर जो मुताला किया जैसा है इसे क्लोलॉजी लफज बोला जाता है। और जो डिक्शनरीज राइटिंग और कंपलिंग और डिक्शनरीज होती हैं इसे लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी जो है इसमें द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट्स फंक्शंस एंड इट्स डिसऑर्डर्स इसमें शामिल है। ऑर्निथोलॉजी जो है ये परिंदों का जो मतलब किया जाता है इसे ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। पैथोलॉजी बीमारियों के मतलब जो स्टडी की जाती है इसे पैथोलॉजी लफ्ज़ बोलते हैं, पैथोलॉजी बीमारियों के मतलब का पैथोलॉजी। और रेडोलॉजी जो है इसमें एक्सरे और रेडियो एक्टिविटी शामिल है रेडोलॉजी में। और सेलेनोलॉजी जो है इसमें साइंटिफिक स्टडी ऑफ मून, इट्स नेचर, ऑर्गन मूवमेंट शामिल है। टैक्सकोलॉजी जो है इसमें जहर के मुतलका जो स्टडी की जाती है, जो मुताला किया जाता है इसे टैक्सकोलॉजी बोला जाता है। वायरोलॉजी जो है वायरस के मुतलका जो मुताला किया जाता है उसे वायरोलॉजी बोला जाता है, वायरोलॉजी। और जो आखिर पे है कि जोलॉजी, जोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, जोलॉजी बोला जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात।